अगली खबर में आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम का हाल। मध्य प्रदेश में सरकारी सिस्टम ने एक गर्भवती से मां बनने की खुशी छीन ली। बड़े अरमान से गर्भवती ने अपनी कोख में 9 महीने तक उस सुख को पाला जो उसे बेटे या बेटी के रूप में मिलने वाला था। लेकिन जब प्रसव की बारी आई तो सिस्टम ने कभी न भुलाने वाली पीड़ा महिला को दे दी। दरअसल महिला के गाँव में सड़क नहीं है, जिसके चलते उसे खाट पर लेटा कर पहले एम्बुलेंस तक और फिर अस्पताल लाया गया। इस दौरान बहुत देर हो चुकी थी, महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। दरअसल ये महिला मंडला के बेहरा टोला गांव की रहने वाली है। गुरुवार को सुनिया मरकाम नाम की इस महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया था। एम्बुलेंस समय पर तो पहुंची, लेकिन सड़क नहीं होने से गांव तक नहीं आ सकी। एम्बुलेंस कर्मचारी सुनिया के घर पहुंचे, उन्होंने उसे खाट पर लिटाया और परिजनों की मदद से 3 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचे। इसके बाद सुनिया को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। रात में हालत गंभीर होने पर जबलपुर रेफर किया गया, जहां सुनिया की डिलीवरी हुई, लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ। वहीं अब गर्भवती महिला को खाट पर ले जाने वाला वीडियो सामने आया है। गांव की आशा कार्यकर्ता ने बताया कि सुनिया को हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। इस मामले में कलेक्टर हर्षिका सिंह का कहना है कि गर्भवती जिस गांव की है वो पहाड़ के ऊपर का एक टोला है, जहां खड़ी चढ़ाई होने के कारण वाहन पहुंचना कठिन होता है। 2017 में ग्रेवल सड़क बनाई गई थी, लेकिन एंड पॉइंट तक बनने के बावजूद मोटरेबल नहीं होता है। हमने टीम को बोला है कि आप तकनीकी रूप से समझ लीजिए, अगर वहां सड़क बनाने की संभावना है तो हम स्पेशल प्रस्ताव भेज सकते हैं।